रेडियो सिटी 91.1 एफएम पर आप सुन रहे हैं हर्षित और पुलकित को। शो चल रहा है टकाटक मुंबई। और देखिए, हर घंटे फिल्मी बातें जो होती है हमारी 8 से 9, आज मुझे लगता है कि स्पेशली हम लोग को एक घंटा इनको ही देना चाहिए। ऑफ कोर्स, मतलब क्या होता है कि नॉर्थ इंडिया में जब नवरात्रि की सीजन आता है और यहाँ पे भी आता है, सब लोग जय माता दी करते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि अब से सब लोग जय मम्मी दी करेंगे। तो एक बार जोर से बोलो, जय मम्मी, सारे बोलो जय मम्मी। आवाज नहीं आ रही, अरे आवाज मम्मी तक पहुंचनी चाहिए। इंपॉर्टेंट बात ये है कि लड़के, व्हाट वर योर रिलेशंस विद योर ओन मदर्स इन योर लाइफ, मतलब हाउ वर योर मदर, अगर मैं आप लोगों से पूछना चाहूँ कि स्ट्रिक्ट थे, बहुत ही ऐसे लाड था, क्या था क्या? हमारी रियल लाइफ की मदर अलग अलग है। मेरी मेरी माँ, हम जानते हैं दूसरे की माँ को। मेरी रियल लाइफ की मॉम, मतलब मैं उनके मम्मा बुलाती हूँ, मॉम मम्मा। रियल लाइफ की मॉम को मम्मा बुलाती हैं? नहीं, मतलब फिल्म में भी, इनफैक्ट ये मैंने लिया है मेरी रियल लाइफ से फिल्म में भी। हमारी जो डायरेक्टर है नवजोत, तो फिल्म का नाम जय मम्मी दी, फिल्म में ये भी मम्मी बुलाता है, मैं भी। तो मैंने इनफैक्ट उसको बोला है, सर मैं रियल लाइफ से ये लेना चाहती हूँ कि मैं अपनी मम्मी को, मतलब पूनम जी को, मम्मा बुलाऊंगी। सो इनफैक्ट दैट इज फ्रॉम माई रियल लाइफ। कमिंग बैक टू माई रियल लाइफ मम्मा, मेरा रिलेशनशिप आई थिंक उनके साथ मेरी लाइफ का सबसे मीनिंगफुल, ब्यूटिफुल और क्लोज रिलेशनशिप है। आई कैन नॉट लिव विदाउट हर। हम शी इज लाइक सिंगल हैंडेडली उन्होंने मुझे और मेरे भाई को ब्रॉट अप किया है, और मैं बहुत क्लोज हूँ, और मैं अभी उनके साथ भी रहती हूँ। सो इट्स लिटरली लाइक बेस्ट फ्रेंड्स। हम मूवीज देखते हैं, मैंने अपने फर्स्ट क्रश से लेके सब बॉयफ्रेंड्स, खाना पीना, एवरीथिंग यू टॉक अबाउट मैं अपनी मम्मा से शेयर करती हूँ। वी आर जेन्युइनली वेरी क्लोज। कुछ चीजें हैं जो उनको मेरी लाइफ की नहीं पसंद है, जिसके बारे में वो आग बबूला हो जाती हैं। जैसे आग बबूला, जैसे दो चीजें हैं शी हेट्स। मम्मा को दो चीजें हैं, व्हाट इज दैट, यू आर वेरी एक्साइटेड टू नो। वन इज कि शी डजंट लाइक हुक्का एट ऑल, शीशा। एंड जो दूसरी चीज है वो है जो मैं इंस्टाग्राम पे अपनी बिकिनी पिक्चर्स डालती हूँ, एंड वो बोल के मम्मा थक गई, एंड आई एम लाइक मम्मा इट्स ओके अगर मैं स्विमिंग करने जाऊंगी, आई विल पुट इट ना, एंड आई पुट इट वंस इन अ व्हाइल। एंड मुझे पता है वैसे मेरी मम्मा कोई भी पिक्चर लाइक करने में पहला लाइक मेरी मम्मा का आता है, या कोई कॉमेंट आता है, या वो हार्ट फनी से इमोजीज आते हैं। The day I put like a bikini picture, mama तो like नहीं करने वाली है उसको। आपके साथ भी ऐसे कि आपकी bikini pictures क्या बात है, बड़ा अच्छा सवाल था ये। भाई पता नहीं बिकी बिकिनी। पर मेरी मम्मी पंजाबी, लाउड, परांठे, मक्के की रोटी, सरसों का साग, आस पास लोगों से लड़ाई, और जब फ्री है कनाडा फोन लगाया, चुगलियां। तो मतलब आपको कैरेक्टर प्ले करने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई? तो मैंने देखो एक एक वर्ड में कितना कुछ बोल दिया। मतलब किसकी शादी हो रही किसकी नहीं, ये मम्मी को सबसे पहले खबर आती है। मतलब और कौन कहाँ, मतलब क्या हो रहा है खानदान में, पूरे व्हाट्सएप ग्रुप में किसने क्या फोटो भेजी, वो सनी को भेजना जरूरी है, बड़े सनी बिजी है। तो ऐसी वो क्यूट क्यूट चीजें हैं जो हर एक घर में होती है। और ऐसा अगर हमारे घर पे कोई खाना मैं ऑर्डर करता हूँ, तो मम्मी सबसे पहले, हर मम्मी यही बोलती है, इससे अच्छा तो मैं बना लूंगी। तो बनाओगी कब? तो ये भी एक सवाल रहता है। मतलब तू मेरे को टाइम दे, मैं बनाऊं ऐसे। अच्छा। तो बनाओ रात में, और सुबह जब बन के आता है तो एक पंजाबी पिज्जा आता है। जिसे केचप की बोतल पहले गिफ्ट में मिलती है, और उसके बाद सब्जियां काट के उस पर चिपकाई जाती है। कैसे कैसे बन के आता है, बेस बड़ा स्ट्रांग होता है पिज्जा का, और वो पंजाबी पिज्जा आपको खाना पड़ता है। ऑब्वियसली वो मीठा बहुत होता है। मक्की की रोटी का बेस तो नहीं होता? मक्की की रोटी, सरसों का साग तो बहुत ही अच्छा बनाती है। मतलब परांठे परांठे, मक्खन, ये जो हम लोग खेतों में जाके भी जब खाते हैं, वहीं के मैं गन्ने का जो रस है वहीं करते हैं, वहीं पीते हैं, लाइव हो रहा है सब कुछ, सब कुछ वहीं होता है खेतों में। अब जब एक्टर, सब कुछ अब मम्मी की निगरानी में हो रहा है, तो सिर्फ जूस भी कहेगा ना आदमी। ऑब्वियसली तो कहने का मतलब ये भी है कि आप लोग जब एक्टर्स हो गए हैं, बट यू हैव टू लुक सर्टेन वे, यू हैव टू लुक फिट, ऐसे में मम्मी का खाने में जितना ज्यादा काम। एक सेकंड, इतने टाइम से मिलने, आज पता लगा एक्टर्स हो गए? आप जब एक्टर्स हो गए हो? मेरा मेरे भाई मेरे को जानता है पहले से। नहीं नहीं ऐसा मतलब अभी
उनसे बोल दूं कि मुझे पतला होना है थोड़ा, वैसे तो मैं कोशिश ही कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं उनसे आप सेम हो, जब मैंने 2 महीने पहले देखा उससे 1 साल पहले भी सेम थे, बड़ा मोटिवेशन, लेकिन मोटे ही थे लेकिन लेकिन मैं अगर उनसे बोल दूं ना ये नहीं है थोड़ा ऑयली ऐसा ऐसा, तो मतलब सुनाने लग जाती हैं। हाँ यार कैसी ये क्या? मैं एक्चुअली इस मामले में कहीं ना कहीं आपको पता ही है, मम्मी जो भी लाती हैं वो मम्मी के डर से हो या मम्मी के प्यार से हो आप खा लेते हो करेक्ट पूरा। और अगर बचाना है तो मैं चुपके से ना वो किचन में ना कुछ ढक के साइड में रख देता हूँ, हाँ मैंने खा लिया मैंने खा लिया ऐसे। तो काफी दही शक्कर हो तो जाने का, जितनी मर्जी डाइट करो दही शक्कर आपको सुप्रिया जी हैं। पूनम ढिल्लन जी, सुना है कि लोहड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करी आप लोगों के लिए, ऐसा ऐसा कहीं पढ़ा हाँ कुछ तो सीन है। मेरी मम्मी तुम्हारी मम्मी है ना, पूनम जी, पूनम ढिल्लों जी ढिल्लों वो ऑर्गेनाइज करने वाली है और वहाँ पे शायद अब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि हम साथ में जाएंगे, लेकिन हम ठीक है चल रही है, बेटी को ही नहीं पता मम्मी रख रही है मेरे को पता है, सरप्राइज था तेरे लिए बट ये शुरुआत कैसे हुई, ये स्क्रिप्ट कैसे हुई, बिकॉज़ कांग्रेचुलेशंस, मतलब आप उजड़ा चमन रियली चैलेंज्ड, थैंक यू, आई गेस समवेयर समहाउ इट चैलेंज्ड अ फिल्म व्हिच वाज कमिंग फ्रॉम अ वेरी पॉपुलर फ्रेम ऑफ स्ट्रक्चर्स, और वहां पर आपने जब उनको चैलेंज किया और आपकी परफॉर्मेंस को लेकर भी सबने बहुत बोला, तो उसके लिए पहले तो यार उसमें एक चीज मैं कहूंगा कि एज एन एक्टर आपको बहुत सारी स्क्रिप्ट्स तो आती हैं, पर जो चीजें बहुत रियल होती हैं और जो किसी ने करी नहीं होती पहले, वो हमेशा आपको हिट करती है। तो उस टाइम पे वो डिसीजन था कि मुझे करनी है, और क्रिटिकली वो रिस्पेक्ट मिली है मुझे एज एन एक्टर, तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने वो रोल किया। बट उस रोल में मेरा एक सबसे फेवरेट पार्ट मैं बताता हूँ, उसमें जब आप अपने भाई को देखते हो अपनी बंदी से बात कर रहा है और ये रात में सो के उठ जाता है भाई, मुझे ना इतना रिलेट कर गया वो सीन, क्योंकि मेरा छोटा भाई भी किसी लड़की से बात कर रहा था और सेम चीज ऐसे ही हुई थी। चप्पल मार, आपने भी चप्पल मार, हाँ मारते हैं ना बड़े भाई, हाँ मारते हैं बड़े भाई मारते हैं चप्पल तो एक-एक चीज, एक-एक मतलब वो फैमिली का वाइब, वो एक-एक चीज इतनी रिलेटेबल थी। सो कांग्रेचुलेशंस, मतलब वो बहुत अमेजिंग था भाई आपका परफॉर्मेंस, थैंक यू सो मच। और डू यू थिंक कि वो शायद रिलीज का टाइमिंग थोड़ा सा, यार एज एन एक्टर तो मुझे यही बोला गया था कि हम शूट करेंगे और बस थोड़े टाइम में रिलीज करने वाले, तो मुझे प्लस माइनस नहीं पता था। फिर मुझे पता लगा कि आयुष्मान उनकी भी है और उनका एक टीजर आया ये सब, तो हम बिना मतलब से फिर एक्टर्स को ये मतलब लोग तो काफ़ी कुछ पूछते हैं, फिर वो कमेंट्स में आता है, बहुत चीज़ें होती है, बट इट्स ऑल गुड बिटवीन मी एंड आयुष्मान, एंड ऑब्वियसली आई ऑलवेज रिस्पेक्ट हिम बिकॉज ही हैज़ गिवन सो मैनी फिल्म्स एंड ऑल्सो हिट्स, ऑन एज एन एक्टर वो जितनी मेहनत करते हैं, सबसे पहले बात एक्टर्स एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, कोई भी क्रिएटिव पर्सन उनकी रिस्पेक्ट करें, कितना हार्डवर्क लगता है। हाँ ये है कि सेम हो गया तो लोग तो बोलेंगे, और ये पहली बार हुआ है तो पहली बार रोज में डेट आगे पीछे हो रही थी, आप 6 को आ रहे थे वो कुछ हो, बट मैं एक चीज से खुश था कि रोज मेरी फोटो दिख रही थी मैंने चलो सही है अपने को क्या है बट यू गॉट अ चांस, आपने उनकी फिल्म देखी? हाँ मैंने देखी ना। हाँ तो फिर ऐसा कहीं होता है कि हाँ एक ही सब्जेक्ट है ये मेरी फिल्म है ये, हाँ मेरे को वो लगा क्योंकि उन्हें भी लगा होगा, सीधी बात है सेम है तो सेम तो लगे गई, पर क्या होता है कि पता है वो आयुष्मान है, उसे भी पता है वो सनी है, तो मैं अपार को भी मिला हूँ, मैं आयुष्मान उनकी वाइफ को भी मिला हूँ, तो इट्स ऑल गुड, मतलब ये पता है ना कि हम अपना जॉब करने हैं, करेक्ट, वो पहले से क्लियर है। हाँ. तो बाकी हम उन चीज़ों में तो वैसे ही नहीं घुसते, बट ये है कि जो मिलता था वो यही सवाल पूछता था आपको कैसा लग रहा है कि फिल्म वाली। लोग आजकल बहुत छाने हैं, वो कॉन्ट्रोवर्सी ढूंढ रहे हैं, आपने कॉन्ट्रोवर्सी जाने दी, तो ऐसा नहीं लोगों ने आसपास बोला कि यार चलो ठीक है एक आध न्यूज कर देते हैं, मेरा चेहरा देख के लगता है मैं कंट्रोवर्सी दूंगा ऐसा तो कुछ नहीं है मतलब, लेकिन इस शक्ल के बहुत एडवांटेज है मैं बता रहा हूँ आपको, आपकी शक्ल ऐसी है ना, आप कितने आप मतलब आप यहाँ से निकले किसी से प्यार से बात करके नीचे आपने चाकू मार दिया, ऐसा भी हो सकता है आपको, बताओ ऐसी स्क्रिप्ट आई है मेरे पास सीरियसली, जो इन्होंने अभी बोला ना मैं जेन्युइनली मैं रेडियो में बोल रहा हूं, ऐसी स्क्रिप्ट आई है, पागल बोल मत दे स्क्रिप्ट, हाँ लेकिन पता नहीं कब होगी ना
बोलने में क्या, बट इस शक्ल का बहुत एडवांटेज है मैं बता रहा हूँ, ये बहुत खतरनाक लौंडे होते हैं ऐसे वाले। बट आइए ऐसी स्क्रिप्ट, बहुत मेरे को एक्चुअली स्क्रिप्ट पे लेके चले गए आप। हाँ तो बस अब तुझे ही कास्ट कर, आप लिखोगे भाई बात करते हैं इंटरव्यू के बाद। बट सवाल ये है कि हाउ इज लव रंजन डिफरेंट एज अ प्रोड्यूसर नाउ एज ही, हां जब पैसा लग रहा होता है, डायरेक्शन और प्रोड्यूसर में कितना फर्क है? तो डायरेक्शन और प्रोड्यूसर मतलब फर्क तो बहुत है इन टर्म्स ऑफ, आई थिंक द बेस्ट थिंग अबाउट हिम इज वो डायरेक्ट करे या प्रोड्यूस करे बहुत काम है। और जब इतने बड़े कोई रिस्क टेकर होता है तो जो काम होता है पेशेंट होता है वही करता है। मतलब आई थिंक वो 24/7 ही हिज माइंड इज थिंकिंग अबाउट वर्क एंड व्हाट्स नेक्स्ट, एंड जिस तरीके से उनकी टीम भी है, जिस तरीके से काम करती है, बहुत ही मतलब अलग ही तरीका है। और वो चीज़ एक्चुअली हमें वर्क करती है। फर्स्ट डे आई रिमेम्बर प्यार का मचनामा जब हमें मिली थी, हम रीडिंग्स करते थे और उसके बाद जो तैयारी करते थे, हमने बहुत कुछ सीखा है क्योंकि ऐसे बहुत सारे कम मतलब क्या कहते हैं लव फिल्म्स हैं और भी कोई हैं जहाँ पे यू नो आपको सीखने बहुत मिलता है। मैं बहुत लकी रहा हूँ, हम सभी बहुत लकी रहे कि हमें उनसे सीखने मिला। पर्सनल लाइफ में मैं बता रहा हूँ आपको, वो जितने मर्जी बिजी हों, जो आपका क्लोज ग्रुप होता है, अगर मैं उनको फ़ोन कर दूँ, ही विल इवन इफ इट्स 2:00 इन द नाइट ही विल पिक अप द फोन, लाइक ही विल बिजी लाइक 24/7, इट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स टू हिम इज हिज पीपल एंड व्हाट इज ही डूइंग राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ वर्क। बट हाउ डज इट फील टू वर्क विद सच एन एक्सपीरियंस्ड, वो जो एक्टर्स का एक वो पीछे से उनका चला आ रहा है, मतलब उनकी लेगेसी है, आप जब उनके साथ काम करो, पूनम के साथ आपने काम किया या सुप्रिया मैम के साथ आपने काम किया, वो कैसा एक्सपीरियंस होता है जब वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं आपके कैरेक्टर को? क्योंकि एक्टिंग इज मोर अबाउट रिएक्शन, कि हाँ वो रिएक्शन कैसे निकालोगे उस टाइम पे जब वो अपना डायलॉग लेंगे। और उसके लिए वो एक कम्फर्ट लेवल आना एक्चुअली बहुत जरूरी होता है, स्पेशली विद द कैरेक्टर्स जो हमारे थे, लाइक पूनम जी इज प्लेइंग माय मदर, तो वो एक कम्फर्ट लेवल और कि एक्चुअली मैं इनकी बेटी हूँ, बचपन से इनकी बेटी हूँ, वो लाना। एंड विद पूनम मैम एंड विद सुप्रिया मैम, मैं पहले थोड़ी सी आई वॉज अ लिटल ऑन गार्ड कि पता नहीं, यू नो, सीनियर एक्टर्स इन एज इन एक्सपीरियंस इन वेयर दे आर, तो थोड़ा सा वाज अ लिटल केयरफुल कि कोई लाइन ना क्रॉस हो जाए, कि मुझे नहीं पता उनको कितना फ्रेंडली उनके साथ रह सकती हूँ या नहीं। तो मेरी पहली रीडिंग भी जो थी वो पूनम मैम के घर पर थी, एंड सीधा वहाँ पर नवजोत जो हमारे फिल्म के डायरेक्टर हैं वो मैं वहाँ पहुँच गए, एंड फ्रॉम डे वन शी हैज़ मेड इट सो कम्फर्टेबल। एंड जो उनकी जो आप बोल रहे हो ना, एक इतना एक्सपीरियंस होता है, वो जब सेट पे आता है ना, वो उनकी अवेयरनेस हो कि आप मतलब आपकी लाइट कट रही है आपको नहीं मालूम, लेकिन उनको पता है और उनको अपनी लाइट के बारे में पता है। एक दिन मेरा मेकअप आर्टिस्ट कोई और था, तो मैं सेट पे आई एंड उनको नहीं पता था, सो शी वॉज लाइक आज तूने कुछ अलग मेकअप किया क्या? आई वॉज लाइक वाओ। सो यू नो दीज लिटिल लिटिल थिंग्स, दिस अवेयरनेस ऑफकोर्स वो तो था ही इन टर्म्स ऑफ गिविंग क्यूज, कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कि अच्छा मेरा काम हो गया तो मैं जा रही हूँ, या मेरा क्लोज पहले लगना चाहिए एंड यू नो आई शुड गो, ऐसा कभी भी नहीं लगा। बट वो कॉन्वर्सेशंस क्या होते होंगे जब आप लोग कॉफी और खाना मेरा और पूनम मैम के साथ, तो यस शी इज अ ग्रेट लवर ऑफ कॉफी, मुझे भी कॉफी बहुत पसंद है, मुझे अलग अलग जगह की कॉफीज कलेक्ट करना, लेके आना क्या, जैसे कौन सी कॉफी, मेरी व्हाइट कॉफी तो है ही फेवरेट, मैंने उनको इंट्रोड्यूस कराया व्हाइट कॉफी, हाँ वो मलेशिया से मिलती है, आप युगांडा से मंगाई थी, युगांडा केन्या से भी मंगवाई थी, टंजेनिया से भी मंगवाई थी, तो मैं अलग अलग जगह की कॉफीज लाती हूँ। हाँ आए तो उनको बड़े शौक है आप, हाँ ये शौक भी कॉफी है आज के लिए बहुत कॉफी है आज के लिए इतना कॉफी है चलो तुम तीनों का हो गया अब मैं कंटिन्यू करूँ ये लेकिन कॉफी का शौक और इतनी सारी टाइप्स की कॉफी होती है, ये किसने बताया और कैसे पता चला? बताया मींस मुझे पता था, मैंने उनको बताया, पहले कॉफी कुछ सीखा था ना पूरे टाइम में, अरे अब यार नहीं अच्छा एक आखिरी सीरियस, अच्छा अभी और कोई आएगा सीरियसली फनी अच्छा शो ओके हाँ क्या पॉइंट इसकी, आप हाउ डिड यू ये कॉफी का जो शौक है, ये टी और कॉफी का जो डिबेट है, मतलब आर यू अ टी पर्सन और अ कॉफी पर्सन? कॉफी पर्सन, तो फिर तो ये मेरी मम्मा से पूछ लो आप, टी कॉफी पर्सन, मेरी मम्मा इज अ बोथ पर्सन और उनके टाइमिंग्स होते हैं, मतलब मेरे साथ पिएगी तो मतलब कॉफी है, अगर केक है तो कॉफी पीनी है, समोसा है तो चाय पीना है, उसके हिसाब से पूरी लाइफ रिवॉल्व होगी,
टाइमिंग की बहुत बड़ी बात, हम कभी किसी कैफे में चले गए और हमने ऑर्डर किया कॉफी एंड क्रोसॉन और क्रोसेंट हम कुछ और बोलते ना ये दे दो ये तो फिर भी ठीक है, लोग कहते हो पाव वाला जो है ना वो दे देना गोल गोल। मैं बता रहा हूँ एक बार मैं अपने एक दोस्त को लेके गया, मतलब मैंने कौन कौन से दोस्त छोड़े हैं, ब्रेड पकोड़ा मैकडी लेके गया, उससे मैंने पूछा भाई कुछ खाएगा, तो पहले तो वो ऐसे गफलत में ही था कि क्या देखे कहाँ आ गए, ठीक है फिर मैं जाके क्यों में खड़ा हूँ, मैंने कहा अभी भी डिसाइड कर ले कुछ खाना है, इधर उधर देखा समोसा ले ले तो मैंने कहा भाई अब बस बड़े समोसा नहीं मिलता है दूसरे कोई चीजें मिल जाएगी। सो हाँ, सो अगर वो आप वो जो आप क्रोसॉन 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 वेरी गुड बॉयज, सो क्रोसॉन अगर ऑर्डर कर दिया तो उनकी टाइमिंग का भी बहुत होता है, अगर कॉफी पहले आ गई और फिर उसके बाद क्रोसॉन मतलब बेचारा दो मिनट के बाद आया तो मेरी मम्मा इज लाइक नहीं कॉफी ठंडी हो जाएगी उसके साथ लाओ, फिर वो कॉफी भेजेगी गर्म होने, फिर वो दोनों साथ में जोड़ी बन के आएंगे, सो शी इज अ सच अ फैनेटिक अबाउट कॉफी एंड चाय का प्रॉपर कॉम्बिनेशन, तो आई थिंक वो उन्हीं से मुझे ये सब मिला है जो मैंने फिर पूनम जी के साथ आगे शेयर किया। अब जो फिल्म में आप लोगों ने अपनी इन दोनों मॉम्स के साथ काम करा तो क्या क्या लगा कि क्या क्या सिमिलैरिटीज थी स्क्रिप्ट वाली मॉम और रियल लाइफ मॉम के बीच? Loud. No, she'll be happy. She'll be happy. I don't want to say it's more like कि बोल ना। अच्छा। नहीं। वो पंजाबीयत तो थी। और I think हाँ मतलब मैम को तो मैंने वो रूप देखा नहीं है बट मम्मी का तो हमेशा ये देखते हैं कि वो करेक्ट तो नहीं करता गुस्से वाला बट ये है कि जो मैम बातें करती हैं सुप्रिया मैम कहीं ना कहीं वो वॉर्म्थ मिलती है क्योंकि जिस तरीके की वो बातें करती हैं वो सेम मॉम भी करती हैं कि ये करना चाहिए कि ये नहीं करना चाहिए तो वो एक इमोशनल साइड है। प्लस एक चीज़ है कि मैं जब शॉर्ट्स होते हैं जब हमारे मैम का क्लोज है किसी का तो मैं ना हंस देता हूँ बिना मतलब और मतलब मतलब समझ में नहीं आता कोई छोटी सी आवाज़ आ गई तो मैं हंसना शुरू सब हंसेंगे फिर नवजोत को लगता है कि 10 मिनट रुक जाओ पहले सनी हंस ले तो ये मेरे कार्तिक का भी होता था मेरा सोनाली का भी बहुत बार हुआ है। आप लोग ने कॉफी देख लिया अभी हमें वो ही सब होता है अब ये मेरे को देख रहे थे हम हंस रहे थे तो वो है कि वो पता नहीं रुकता ही नहीं है फिर ऐसे था उसने मेरे को देखा डायलॉग बोल रहा है मेरे को लगता ही नहीं कि वो डायलॉग बोल रहा है बट अभी भाई ये मतलब अब आप ऐसे मुकाम पे हो जहाँ पे स्क्रिप्ट चूज करने वाली जो बातें होती हैं कि यार ये आपका ना बहुत सारी चीजें आगे के लिए डिसाइड करती हैं। जी तो आप जब स्क्रिप्ट देख रहे होते हो तो क्या आप देखते हो कि बहुत ही स्लाइस ऑफ लाइफ वाली चीजें हो या क्या देखते हो आप अपनी स्क्रिप्ट्स में? यार सबसे बड़ी बात की लकी है कि जहाँ तक भी हम पहुँच रहे हैं आगे नहीं पता बट ये है कि हर स्क्रिप्ट को वैसे नजरिए से देखता हूँ कि मेरी पहली है कि इसमें हर एक चीज़ है कि कौन बना रहा है किसने लिखी है और किस किस चीज़ के बारे में है पर एट द एंड व्हेन यू गो टू स्लीप अगर आपका हैंगओवर है किसी चीज़ का जो आपकी स्क्रिप्ट सुनी है आई थिंक वही वर्क करती है आपके लिए बिकॉज यू कनेक्ट विद इट। और फिर मैं ये नहीं सोचता हूँ कि बाद में कि मतलब क्या होगा क्या नहीं होगा प्लस माइनस नहीं सोचता हूँ बट ये मेरे को लगता है मेरे को भरोसा है अपने पे भरोसा है और जो मेरे को मिले हैं उनकी कन्विक्शन और सारी चीज़ें मिला के पहले तो स्क्रिप्ट हीरो है इसके थ्रू जाते हैं। बट डू यू थिंक कि एक तरह का कैरेक्टर आपको दिया जाता है एक तरह का क्योंकि कहीं ना कहीं हम ना तुरंत स्टीरियोटाइप कर देते हैं और हम सोचते हैं कि इसी का कंफर्ट जोन है ज़्यादा इससे भटकते नहीं है और इसको इधर ही स्टिक करते। सो दिस नॉर्थ इंडियन पंजाबी बॉय इज इट स्टिकिंग अराउंड यू फॉर टू मच एंड इज इट ऑल्सो फीलिंग मतलब आपको भी कहीं ना कहीं प्रेशर आ रहा है? मैं वो नहीं आता मैं सोचता ही नहीं बिकॉज आई लव डूइंग इट अनटिल अनलेस आपको नहीं पसंद आपको ऐसा लगता है सौ थॉट्स आते हैं ऑडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू कि मतलब हमने आपको सोनू के टीटू में देखा वैसा नॉर्थ देखा है वो देखा अभी पति पत्नी में गेस्ट अपीयरेंस करा है फिर भी नॉर्थ है बट डायलेक्ट अलग है यूपी का है तो ये है कि ज्यादातर तो इसी के आसपास रिवॉल्व करनी है इंडस्ट्री में पिक्चरों में ज्यादातर यही देखा है हमने या तो यूपी साइड होगा या थोड़ा सा पंजाबियत होगी या तो पंजाबियत होगी तो वही है कि मैं एक्सप्लोर करना चाहूंगा पर जो चीज़ पसंद है जो लोग मुझे उतना प्यार करते हैं अगर वो चीज़ें मिल रही जैसे पहली पिक्चर जो मिली है वो भी नॉर्थ बेस्ड ही थी Correct. अगर वो अच्छी है इसलिए वो चली है और आगे जो ऑफर हैं वो भी अच्छे हैं वो भी फिर वही वाली टच है पंजाबियत है तो क्यों नहीं करें ऐसा तो नहीं कर सकते कि वो अच्छी है पंजाबियत है चलो नहीं कर सकते। साल 2019 की एक फिल्म बताइए जिसको देख के आपको लगा कि यार ब्रो ये मुझे करनी है। 2019 की मुझे बाला करनी नहीं मेरे को
हाउसफुल फॉर अक्षय सर का कैरेक्टर. अरे बहुत तगड़ा कैरेक्टर है वो. ओह आई सेड बाला. अक्षय सर की कोई भी पिक्चर यार, चार चार पिक्चर तो हर साल आती है. पिछले साल अक्षय कुमार इन रियल लाइफ. आप कुछ करना चाहते थे लास्ट ईयर की कोई एक ऐसी फिल्म जिसको देख के लगाओगे यार? सारी सेटर्स को छोड़ के सारी. नहीं एक्चुअली रोल्स वाइज मतलब बहुत से आते हैं यू नो, वेदर गली बॉय हो या मतलब बहुत सारी फिल्में, बट मेरी ऑल टाइम मैं हमेशा बोलती हूँ इज वेरोनिका का कैरेक्टर कॉकटेल में. वो लास्ट ईयर तो नहीं आई है बट दैट इज अ कैरेक्टर आई नो मतलब आई वुड लव टू डू. यारो मुझे माफ करो. But honestly मतलब you guys are coming out of a successful franchise और आप लोग अपनी individual फिल्में लेकर आते हो. And when how does this feel and both ways happy and the pressure कि आप एक franchise से निकले, आप दोनों as a pair आप लोग को एक दूसरी फिल्म में आपके ही वही director as a producer आपको launch करते हैं. So now what he says to you, now what is his tips, because some new things is he telling you? क्या बदला है अब तक में फ्रॉम दैट फिल्म टू दिस? आई थिंक वो डिसिप्लिन वैसा ही है. और जब पता है कि आप सब साथ में रहते हो सारा टाइम, मतलब हमारे बहुत मेरे तो बहुत ही मतलब उस हिसाब से क्लोज फ्रेंड्स हैं कि लव सर हैं, हमारा ग्रुप है और थोड़े बहुत जो पहले के हैं, तो सारा टाइम साथ में रहना, सारी चीज़ें साथ में, तो कुछ बदला नहीं है. बदला यही है कि विद एवरी मूवी थिंग्स आर ग्रोइंग. एज एन एक्टर यू आर ग्रोइंग, एज अ पर्सन यू एक्सप्लोर एंड इंटरेक्ट विद पीपल. And you know, you meet new directors. Correct. Even through Love Sir or if I do somewhere else. हाँ वो ये जरूर कहते हैं, वो अपनी हर एक राय देते हमेशा, और वहाँ में वो कहते हैं कि देख ले तुम्हारा क्या मनना है. सो ही ऑलवेज टेक्स केयर ऑफ योर थॉट्स एंड ऑल्सो आप कहेंगे आपको क्या लगता है, एंड ही वो आपको एकदम ईज में और फ्री छोड़ देते उस वक्त. मतलब ही विल नेवर गिव अ काइंड ऑफ अ प्रेशर और दिस एंड दैट, बट इज लाइक इज वेरी मतलब टेकिंग केयर, मेंटोर ऑलवेज टेकिंग केयर. बट इस बार तो वो क्योंकि प्रोड्यूसर सीट पे थे और डायरेक्शन में नवजोत थे, सो व्हेन ही सॉ द फिल्म व्हाट वाज हिज रिएक्शन? इस चीज का बहुत फर्क पड़ता है जो आप पहले ही पूछ रहे थे ना कि डायरेक्टर एज ए प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर. लव सर खुद एक फर्स्ट टाइम डायरेक्टर रह चुके हैं जब कोई और प्रोड्यूसर थे, तो उनको इस चीज का बहुत देखो अब तुम दोनों को भी मारना है कर लो या मैं बोलूं हमें इतनी जल्दी आए हैं. थैंक गॉड इससे पहले कि आ जाए मैं फटाफट से आंसर दे. नहीं बट वो फर्क पड़ता है बिकॉज नवजोत भी एक नया फर्स्ट टाइम डायरेक्टर है, तो एज अ प्रोड्यूसर नाउ उनको ये चीज का ही रिमेम्बर्स इट कि वो एक टाइम पे भी फर्स्ट टाइम डायरेक्टर थे और क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है और क्या लाइन्स होती है व्हाट टू क्रॉस एंड व्हाट नॉट टू. बट उनके साथ ना जर्नी ऐसी रही है कि इट्स लाइक स्कूल के बाद अब आप ग्रेजुएट कर गए हो, तो अभी इस फिल्म के साथ थोड़ा वैसी सी सिनारियो थी कि अब आई कांट स्पून फीड यू एनी मोर. डायरेक्टर के टाइम पे मतलब हर शायद छोटी छोटी चीज पे वो करते थे, अब वो ट्रस्ट फैक्टर ज्यादा आ गया है कि ये है ये फिल्म है चलो कर रहे हो तुम लोग गुड अब तुम लोग संभाल लोगे. विद मी तो पर्सनली ही लव्स अ यू नो वो एक बहुत विद कॉम्प्लीमेंट्स थोड़े स्टिंजी हैं एटलीस्ट ऑन आवर फेसेस. मींस वो वेरी कंजूस काइंड ऑफ गाय. नो इन विद कॉम्प्लीमेंट्स या विद कॉम्प्लीमेंट्स विद कॉम्प्लीमेंट्स ऑन योर फेस. मतलब ऐसे लोगों से कॉम्प्लीमेंट मिले तो अच्छा भी बहुत लगता मतलब लाइक हाँ एग्जैक्टली मतलब उसकी वैल्यू होती है. तो मुझे लाइफ में शायद दो बार उनसे कॉम्प्लीमेंट मिला होगा एंड वो उनका कॉम्प्लीमेंट होता था कि बहुत बढ़िया था. सो मतलब यू नो मींस तो ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस. पर इस बार ही आप सुलाफेस जा रहे हैं, मैंने एक बार आपको सुलाफेस में सबसे पहले देखा था. अभी रियली इस बार में तुम साथ में गए थे? जब हम लोग गए थे एक दो साल पहले. अच्छा हाँ मैं इस साल अब जा रहे हो पूछ रहा हूँ. लास्ट दो साल से तो मैं गई हूँ. जाएंगे यार मुझे भी लगे गई थी. हाँ लास्ट ईयर ये भी गया था. बट मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आपने नाम में बहुत सारे एन और बहुत सारे एल लगाए हैं, बताइए क्यों? बड़ा सवाल है. हाँ क्योंकि मेरी सुला नहीं हो रही थी. सुला नहीं हो रही एस्ट्रोलॉजी से. डू यू बिलीव इन दिस? एक्चुअली यू नो व्हाट, आप लोगों को लगा कि मैं मतलब मैं हर एक चीज का मम्मी का प्लग इन कर रही हूँ, बट ये सीरियसली मेरी मम्मी का है लिटरली. मम्मी का तो अच्छा कर रही थी, मस्ट बी हैप्पी. हाँ बट सीरियसली मेरी लाइफ पूरी मेरी रियल लाइफ मम्मा के अराउंड ही रिवॉल्व होती है. इट वॉज लिटरली सो शी बिलीव्स इन इट. मैं भी कुछ हद तक मैं सन साइंस में बहुत बिलीव करती हूँ. तो आपका क्या है? मैं फिर आपका क्या? आपका क्या? मेरा लिब्रा है. ओह आई लव लिब्रेंस. ये भी लिब्रा है.
कब होता है आपका बर्थडे? 6th अक्टूबर पैदा नहीं होता डाउनलोड इतना लेफ्ट आउट हुआ मैं एकदम से लिब्रा ने ऐसे नहीं आप तुम साजी 31 अप्रैल में तो मेरी मम्मा सबसे वियर्ड है वो मतलब कोई ऐसे सब्जी की शॉप में जाएगी और एक बार अभी रिसेंटली हुआ था एक फार्मर्स मार्केट में गई वहां पे कोई एक बंदा था ये मेरे दिमाग में बहुत फनी है तो एक बंदा था वो उस पर्सन से थोड़ा सा ना अग्रेसिवली लड़ रहा था और कुछ बता कि नहीं 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 तो मेरी मम्मा ऐसे देख रही है कि आप एरीज हो क्या एंड दैट पर्सन सेज हाउ डिड यू नो एंड शी इज अ साइकिक लाइक दैट लाइक शी गेसेस सन साइंस वो जहाँ जाती हैं वो ढूंढती फिरती है नाम नहीं पूछती वो लोग वो नाम से नहीं याद रखती सन साइंस से याद रखती है कि वो जो वो साइजी नहीं वाक्य में ऐसी बातें होती वो लिब्रा चाचा की एरी चाचा से लड़ाई होगी इसमें सैजी बुआ आ गई अरे टॉरस तो पूरे नहीं है मैं टॉरियन हूँ ना टॉरस और लियोज बेस्ट होते हैं बिकॉज मैं और मम्मा टॉरस और लिब्रा का क्या होता है लिब्रास मुझे बड़े अच्छे लगते हैं आई लव लिब्रा चलो भाई खत्म हो गई है ये लिब्रिन है लव से लिब्रिन है हमारे ग्रुप में राहुल मोदी लिब्रिन है सब लिब्रिन है तो ठीक है तो लिब्रिन है और ये लिब्रिन की फिल्म हम लोग देखने जाएंगे आपके हिसाब से व्हाट डू यू थिंक कि ऑडियंस के लिए इसमें ऐसा ऐसा कैच पॉइंट होगा या व्हाट डू यू थिंक इज जय मम्मी दी में उनको हमारी फिल्म कैप्रिकॉन है तो मतलब वो बहुत सक्सेसफुल होते हैं मैं कंफ्यूज हो गया हूँ हमारी फिल्म हमारी फिल्म बहुत ही प्यारी है और सेंटर पॉइंट इज मॉम्स ऑब्वियसली जो बहुत टाइम आई थिंक कभी ऐसे दिखाया नहीं है मतलब कॉमेडीज तो आती हैं बट ये एक अलग तरीका है तो वाया मॉम्स के थ्रू दिखेगा तो बहुत ही फनी बहुत ही कोकी बहुत ही रोमांटिक बहुत चीजें हैं इसमें आई एम श्योर दैट पीपल विल रियली रियली लव इट एंड रियली रियल इट्स वेरी रियल आल्सो आई थिंक वो सबसे बड़ी इस चीज की यूएसपी है कि बहुत रियल है मतलब हर मम्मी हर लवर हर दोस्त को लगेगा कि हाँ यार ये तो होता है मेरे साथ या ये हुआ हुआ है कभी सो वो रिलेटेबिलिटी फैक्टर है एंड It's funny. I think we've made a good product. So go watch it. Superb. And also, thank you so much. आप लोग बार बार जल्दी जल्दी फिल्में करते रहिए. जल्दी जल्दी. Thank you so much. मैं आता रहूँगा अब दो महीने. बहुत जल्दी आते रहो. बहुत जल्दी. But अगले जो भी होंगे उनको बोलना जल्दी प्रोड्यूस करें. रिलीज करें. वो वाली स्क्रिप्ट कर रहे हो ना तुम लोग चक्कू मार. हाँ हमारी यही बात चलेगी. ठीक है. Done हो गया. Thank you so much, guys. Radio City.